हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मिट्टी से एक बहुत ही शानदार सा, एक बहुत ही छोटा सा एक टाइगर बना के दिखाऊंगा। तो गैस, ये एक बहुत ही शानदार सा शोपीस है क्ले का, जो आप भी आपके घर में बना सकते हैं और आपके घर में टेबल पर कोई भी जगह पे आपको इसको सजा के रख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है बिगिनर्स के लिए। तो जो लोग क्ले मॉडलिंग सीखना चाहते हैं, जो लोग ऐसे ही क्ले का शो पीस बनाना चाहते हैं, तो वो लोग इस छोटे से वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तो ना ही आपको सिर्फ क्ले मॉडलिंग सिखाऊँगा, उससे अलावा इसको मैं आपको कलर भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए आज का ये जो वीडियो है ये पूरा एक कंप्लीट वीडियो है, एक क्ले मॉडलिंग का और पेंटिंग का भी। तो इसलिए ये जो वीडियो है इसको आप ज़रूर पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है, तो गाइस देखिए, हमारा आज का जो क्ले मॉडल है ये बहुत ही छोटा है, तो इसीलिए इसको बनाने में जो मिट्टी लगेगा वो भी बहुत ही कम लगेंगे। तो देखिए, मैंने बहुत ही कम मिट्टी ले लिया है और इसको अभी मैं बना रहा हूँ। तो ये जो मिट्टी मैंने लिया है इसको मैं अलग से बना लिया हूँ क्ले मॉडलिंग के लिए, ये मिट्टी बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगा। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं कि ऐसा मिट्टी कैसे रेडी करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको ये वीडियो जब ख़त्म होंगे इसके जो एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर मैंने दिखाया है कि आप कैसे नेचुरल मिट्टी को रेडी कर देंगे क्ले मॉडल के लिए, ताकि वो क्रैक ना हो। ठीक है, और अगर आपके आसपास ऐसे नेचुरल मिट्टी ना मिले तो आप इसको ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन का जो मिट्टी होता है वो बिल्कुल भी क्रैक नहीं होता। ठीक है, वो बहुत ही अच्छा मिट्टी होता है, तो आप इसीलिए उस मिट्टी को खरीद सकते हैं। वो मिट्टी बहुत ही अच्छा है, आपको अलग से कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा उस मिट्टी को रेडी करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके वहाँ पे ऐसा नेचुरल क्ले मिलता है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं कि कैसे मैं मिट्टी को रेडी करता हूँ क्ले मॉडलिंग के लिए। ओके, तो गाइस देखिए, हम आज का जो टाइगर हम यहाँ पे बना रहे हैं, सबसे पहले मैंने तो इसका मेजरमेंट कर लिया है। ठीक है, मतलब बॉडी कितना होगा, इसका पैर कितना होगा, सर कहाँ पे होगा, कैसा होगा, इसको बोलते हैं मेजरमेंट। कोई भी आप क्ले मॉडलिंग बनाते हो तो उसके लिए आपको चार स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। एक है मेजरमेंट, उसके बाद आता है क्लीनिंग, उसके बाद आता है फिनिशिंग, और सबसे एंड में आता है ब्रशिंग। तो देखिए, अभी मैं सेकेंड पार्ट में हूँ, यानी कि क्लीनिंग। क्लीनिंग मतलब क्या होता है, जब आप मेजरमेंट कर लेते हो तो उसके बाद आपका ये जो मेजरमेंट कैसा हुआ है ये देखने के लिए आपको क्लीनिंग करना होता है। ठीक है, आप बहुत सारे लोग क्लीनिंग का मतलब ये समझते हैं कि हाँ, आपका जो मॉडल है वो कंप्लीट होगा इसलिए आप अभी क्लीनिंग कर रहे हो, तो क्लीनिंग वैसा नहीं है। मतलब आप जब एंड में जब ब्रशिंग करेंगे तो वो हो गया सबसे एंड का काम। तो अभी जो ब्रशिंग में अभी कर रहा हो क्लीनिंग करने के लिए, मतलब क्लीनिंग आपको होता है हाथ से, और ब्रशिंग जो होता है ब्रश से, और उसके बाद आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं इसको क्लीनिंग कर रहा हूँ, और क्योंकि ये बहुत एक छोटा सा क्ले मॉडल है तो इसीलिए इसकी जो फिनिशिंग है वो मैं इसका क्लीनिंग करने के वक्त ही कर देता है। फिनिशिंग क्या है, जैसे कि इसका आँखें है, इसका पैर का नाखून है, ये सब फिनिशिंग है। और अभी देखिए, मैं ब्रशिंग कर रहा हूँ, तो हमारा ब्रशिंग करने के बाद ये जो क्ले मॉडल है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, ब्रशिंग करने के बाद हमारा ये जो टाइगर है छोटा वाला, ये कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसको करेंगे कलरिंग। तो देखिए, कलरिंग करने के पहले मैंने इसको धूप में सुखा लिया है। देखिए, अभी ये पूरा का पूरा सूख गया है, और ये बहुत ही छोटा एक क्ले मॉडल है, तो इसीलिए इसको सूखने में बहुत ही कम टाइम लगा, एक दिन के अंदर ये सूख गया है। और देखिए, ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं हुआ है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये हुआ है उस मिट्टी की वजह से, मतलब मैंने मिट्टी अलग से रेडी किया है,
तो इसलिए ये क्रैक नहीं हुआ है। ओके, और एक और वजह भी है जिसका, जो है कि इसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। अगर मैं इसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर देता तो ये थोड़ा बहुत क्रैक होता, ठीक है, लेकिन मैंने इसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिया है तो इसलिए ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं हुआ है। तो जो भी हो, देखिए हमारा ये जो टाइगर है ये मैंने सुखा लिया है धूप में, उसके बाद अभी मैं इसका कलरिंग कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने फेब्रिकल का एक्रेलिक कलर ले लिया है, छोटा ट्यूब वाला, जो कि 20 रुपया में आता है ये। तो इसको मैंने ले लिया है, और पहले तो टाइगर के पूरे बॉडी में मैंने वाइट कलर दे दिया है, क्योंकि आप जब कोई भी पेंटिंग करते हो तो अगर वाइट बैकग्राउंड के ऊपर आप पेंटिंग करते हो तो आपका जो पेंटिंग है वो बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। तो इसीलिए मैंने वाइट बैकग्राउंड के ऊपर अभी ये जो टाइगर है ये पेंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो टाइगर का जो बॉडी का जो कलर होता है वो होता है ब्राउन और थोड़ा थोड़ा ऑरेंज वाला। तो देखिए ये जो कलर मैंने बनाया है ये ब्राउन और ऑरेंज का एक मिक्स्ड पार्ट है, ठीक है, मतलब ज़्यादा ये ब्राउन भी नहीं है और ज़्यादा ऑरेंज भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये जो कलर है ये मैंने किया है, और इसको टाइगर के बॉडी में मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कलर मैंने कैसे बनाई है तो आपको मैं एक बार फिर बता दूँ, जो ब्राउन कलर होता है ना, ब्राउन कलर, ब्राउन सियाना, उस कलर के अंदर मैं थोड़ा सा येलो कलर मिला दिया था, ठीक है, येलो और थोड़ा सा रेड, तो हमारा ये कलर ये बन गया है। तो ये कलर देने के बाद टाइगर में और भी बहुत सारा कलर्स होता है, जैसे कि येलो कलर, और होता है वाइट कलर, और सबसे एंड में होता है ब्लैक कलर, जो कि टाइगर के खासियत है, यही आपको दूसरे जो बिल्ली है जैसे कि शेर उससे अलग करती है, क्योंकि शेर का जो बॉडी का जो कलर होता है और टाइगर का वो लगभग सेम होता है, लेकिन टाइगर के बॉडी में जो ब्लैक कलर का जो धब्बे होते हैं वही आपको शेर से और दूसरे मतलब टाइगर से अलग करते हैं इस टाइगर को, ठीक है। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, इस टाइगर में जो भी येलो कलर का काम है, वाइट कलर का जो काम है, ये हमने कर दी है, और अभी ब्लैक कलर से इसके पूरे बॉडी में हम धब्बे दे देंगे लंबा लंबा करके, ठीक है। तो यही टाइगर के सबसे बड़ा खासियत है, और जब तक आप ये ब्लैक कलर से इसके पूरे बॉडी में ये ना दे, मतलब ये लंबा लंबा धब्बे ना दे, तो ये टाइगर नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए अभी इसके जो फेस है उस पर मैंने ये कर रहा हूँ, आँखें, धब्बे, ठीक है, नाक, ये सब मैंने अभी कर रहा हूँ। इसके बाद इसके जो पूरे के पूरे बॉडी में ये मैं करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये जो टाइगर है, एक छोटा सा और एक बहुत ही प्यारा सा एक टाइगर, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से आज मैंने इसको करके आपको दिखाया है। तो अगर आप भी ऐसा टाइगर बनाना चाहते हैं तो आप जल्दी से इसको शुरू कर दीजिए अपने घर में। जो भी इंस्ट्रूमेंट मैंने आज की इस वीडियो में यूज़ किया है उन सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीदिए और इसको जल्दी से बनाकर अपने घर में सजा के रख सकते हैं। हालांकि इसको भी मैं अपने घर में रख दूंगा सजा के, ठीक है। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा एक शो पीस मैंने आज आपको बना के दिखाई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो शो पीस मैंने बना के दिखाई है जो लोग बिगिनर्स है उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो मैं ऐसा ही और भी शो पीस का वीडियो आपके सामने लाऊंगा, ठीक है। तो जो भी हो हमारा आज का जो टाइगर बनाना ये अभी कंप्लीट हो गया है। सो गाइस यही थी हमारी आज की क्ले स्कल्पचिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज की ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।